नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हिरल, स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। तो दर्शक मित्रों, आज के इस अवसर पर हमारे देश के सैनिकों के बारे में हमें जानकारी देंगे गोशिया। थैंक यू हिरल। आज हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वोच्च रेजिमेंट है। इनमें मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों के राजपूत, अहिर और ब्राह्मण भी शामिल है। 18वीं शताब्दी में रेजिमेंट की शुरुआत हुई थी और दो विश्व युद्ध सहित ब्रिटिश भारतीय सेना और भारतीय सेना के हर प्रमुख अभियान में भी लड़ी थी। 1900 शताब्दी में रानीखेत में स्थापित कुमाऊं रेजिमेंट अभी भी कुमाऊं क्षेत्र से और मैदानी इलाकों से अन्य मिश्रित लोगों को भर्ती करता है। मैदानी क्षेत्रों से विभिन्न समुदायों के साथ सैन्य टुकड़ी मुख्य रूप से कुमाऊं और बाकी अहिरों की रही है। सोल्डरिंग कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण पेशा रहा है और इस क्षेत्र का नेपाल और गढ़वाल सहित पड़ोसियों के साथ युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है। हिमालयी तलहटी के इस क्षेत्र के पुरुषों ने सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की हड़ताल पल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। तीसरा गोरखा राइफल्स ने तत्कालीन अधिक से अधिक कुमाऊं साम्राज्य से भारी भर्ती की थी। कुमाऊं की बड़ी भर्ती को कुमाऊं बटालियन के नाम से जाना जाता था। कुमाऊं रेजिमेंट 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती थे। वे अक्सर सैन्य सेवा की तलाश में अन्य राज्यों में चले जाते थे, जिसमें हैदराबाद के निजाम की सेवा भी शामिल थी। और इसी तरह कुमाऊं रेजिमेंट में प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की सीमाओं को किसी भी राज्यों की किसी और देश की जब भी कोई खतरा पड़ा, तब कुमाऊं रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी, साहस और देश प्रेम की वजह से अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ऐसी अनगिनत लड़ाइयों से देश को सुरक्षित रखने वाले ऐसे देश प्रेमियों को स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज की पूरी टीम और देशवासियों की ओर से नमन है, नमन है, नमन है। धन्यवाद। धन्यवाद गोशिया। तो ऐसे ही रोमांचक न्यूज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाभिमान इंडिया फर्स्ट चिल्ड्रन न्यूज। धन्यवाद।